नमस्ते और स्वागत है एक बार फिर से इस नई वीडियो में। अभी मैं सुबह जब उठा तो बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ, तो अभी मुझे सबसे पहले जिम में जाना है। तो बिना किसी देरी के चलिए सबसे पहले हम जिम में चलते हैं। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. तो दोस्तों फाइनली जो है वर्कआउट ख़त्म हो चुकी है। आज की वर्कआउट ही बहुत ज़्यादा इंटेंस थी, आप पंप देख सकते हो कितना अच्छा आया हुआ है। तो आप भी ये पुश पुल लेग वर्कआउट वाला स्प्लिट फॉलो ज़रूर कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। मैं जिम से घर आ चुका हूँ, तो अब बना लेते हैं हमारा प्रोटीन शेक। इसके अंदर मैंने अपने 4 बनाना और थोड़ा सा दूध डाला है, 100 ग्राम दूध है। अब इसके अंदर मैं जो है प्रोटीन डालने वाला हूँ, तो मैं ये जो पैक वाला प्रोटीन है ये यूज़ करता हूँ। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, कहीं आना जाना हो तो आप इसको ले जा सकते हो साथ में। तो इस एक पैकेट के अंदर मैं आपको बता देता हूँ 24 ग्राम प्रोटीन और 4 ग्राम ग्लूटामिन और 5 ग्राम BCAA मुझे मिल जाता है। तो ये मेरा रॉ मटेरियल तैयार हो गया, अब करते हैं इसको ग्राइंड। तो हमारा प्रोटीन शेक तैयार हो गया, फटाक से इसको पी लेते हैं। ये आ गया 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 आ गया। मेरा स्टडी वाला वर्क जो है वो फाइनली खत्म हो गया है। अभी करना है मुझे लंच। लंच करने के बाद फिर हम चलेंगे हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वहाँ मुझे बच्चों को पढ़ाना होता है, ये सब कोई पता है। तो चलिए सबसे पहले लंच करते हैं। तो ये है आज मेरा दोपहर का लंच, ये है लस्सी और ये है चावल और इसके अंदर आलू मिक्स है और साथ में मैंने लिए थोड़े से प्याज। तो ये सिंपल सा खाना है आज मेरे दोपहर का। मैं सेंटर में आ गया हूँ, तो मैं अब यहाँ पे एक बार और आपको नज़ारा दिखा देता हूँ कि अब यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं इस सेंटर के अंदर। सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ पे इसके अंदर जो है वो पानी भर दिया गया है। ये नज़ारा है अब यहाँ पे बच्चे जो है वो नहाते भी हैं, जो उस लाइन से उस साइड जो तालाब है ज्यादातर बच्चे वहीं पर नहाते हैं। तो थोड़ा सा और पास जाके दिखाते हैं आपको, ये सारा नज़ारा है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है काफी अच्छी वाइब आने लगी है, यानी कि अब नया नया सा लगने लगा है। तो अच्छी बात है, जब जितना चेंज होता रहे जिंदगी में उतना अच्छी बात है। जितना चेंज होता रहता है ना चीजें, तो उतनी ज्यादा हमें जो है अच्छी वाइब आती रहती है, हम एक चीज से बोर नहीं होते। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर हो रही है। वो मंदिर है, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था, इसको भी जो है रीपेंट कर दिया है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो है वो चेंज हुई है। यहाँ पर जो है एक चीज की कमी है, यहाँ पे ना पहले 4 बत्तखें रहा करती थी। मेरा पिछले ब्लॉग की थोड़ी सी क्लिप दिखा दूंगा, उसमें 4 बत्तखें थी, लेकिन अब वो बत्तख पता नहीं कहाँ पर है। वो बहुत प्यारी लगती थी, कई बार मैंने उनको अपनी वीडियो के अंदर लिया भी हुआ है, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। पता नहीं पानी खत्म हो जाने के बाद वो कहाँ चली गई थी, लेकिन अब यहाँ पे वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और ये मेरा सेंटर है, इस साइड ऊपर जो है मैं बच्चों की
क्लास लेता हूँ। नीचे भी जो है सर क्लास ले रहे हैं इस समय, छोटे बच्चे आए हुए हैं, मेरी क्लास के बच्चे अभी आए नहीं है। और इसको भी देखो दोबारा से जो है रीबिल्ड किया है, तो ये सारे चेंजेस यहाँ पर हुए हैं। यहाँ पे देखो बेंच भी रखे हुए हैं, आप यहाँ से बेंच के ऊपर बैठ सामने से आराम से ये नजारा देख सकते हो। मेरी क्लास के स्टूडेंट जो है वो आ चुके हैं, तो मिलते हैं सेंटर खत्म होने के बाद। अभी मैं बच्चों को पढ़ा लेता हूँ। मैंने आज ये पढ़ाया, यहाँ पर क्लास जो है खत्म हो गई है। तो फाइनली जो है मैं घर आ चुका हूँ, लेकिन अभी मुझे घर पे जो है ट्यूशन पढ़ाना है बच्चों को। अभी थोड़ी देर में जो है बच्चे भी आ जाएंगे, मैं उनके साथ भी एक वीडियो शूट करूंगा, उसमें भी आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास कौन कौन सी क्लास के बच्चे आते हैं। तो ये है, ये मेरी क्लास के बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ ट्यूशन पे। कौन सी क्लास में होता है? सेवंथ क्लास। क्या नाम है तेरा? वंश। इसका वंश नाम है, ये सेवंथ क्लास। बाकी बच्चे कहाँ? तो ये है मेरी क्लास के बच्चे जो शाम को मेरे पास ट्यूशन पे आते हैं। सारे बैठे हैं देखो यहाँ पे, और एक एक करके सारे अपने इंट्रोडक्शन देंगे। जैसे ये पहला बच्चा, क्या नाम है तेरा? माय नेम इज यस। कौन सी क्लास में दो? आज तेरा? माय नेम इज हर्ष, सेवंथ क्लास। माय नेम इज आरुष, फोर्थ क्लास। नाम आशीषा, सातवीं क्लास में पढ़ा। माय नेम इज निधि, टेंथ क्लास। माय नेम इज वंश, सेवंथ क्लास। माय नेम इज आर्यन, नाइन्थ क्लास। तो ये सारे बच्चे देखो जी मेरी क्लास के। चलो बस ये हमारे स्टूडेंट थे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही था, तो गुड बाय कर दो सारे। बाय।